शनिवार के दिन प्रखंड क्षेत्र के बहुअरवा पंचायत के वार्ड एक में बैराटपुर में सिकहरना नदी के किनारे तैरते हुए एक हिरण को ग्रामीणों ने देखा। ग्रामीण तत्परता से उस हिरण को सुरक्षित स्थान पर लाया गया। तत्पश्चात उसी वक्त मनरेगा कर्मी वहां पर था, जिसने अपने टेलीफोन से मनरेगा पदाधिकारी जितेंद्र कुमार को सूचना दी। पीओ जितेंद्र कुमार ने उक्त बातों की जानकारी देते हुए कहा कि इसकी सूचना वन विभाग बेतिया को दे दी जाए। वन विभाग के लोग बैराटपुर पहुँच के हिरण को ले जाएंगे, उसे स्वास्थ्य जाँच कर वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। बहरहाल हिरण को ग्रामीण अपनी सुरक्षा में रखे हुए हैं। R9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट, मझोलिया पश्चिमी चंपारण से। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की बेतहाशा भीड़, वैक्सीन लेने को लेकर तारापुर में बनाए गए 10 अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर में दिन भर देखी गई। वैक्सीन खत्म होने के बाद शनिवार को वैक्सीन आने पर लोगों की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगाने को लेकर टूट पड़ी। वहीं टीका लगाने के क्रम में लाभुकों के मोबाइल पर कोविड वैक्सीन से संबंधित ओपीडी के नहीं आने से कई लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाया। ऐसे लोगों को बिना वैक्सीन लगाए ही घर लौटना पड़ा। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगाने को लेकर लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते नहीं देखा गया। सेंटर पर मौजूद अधिकांश लोग न तो अपने चेहरे मास्क लगाए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। वहीं लाइन में खड़े युवाओं ने बताया कि हम लोग सुबह 10 बजे से लाइन में खड़े हैं, 2 बजने वाले हैं, अभी तक टीकाकरण नहीं हो पाया है, आज हो पाएगा ये पता भी नहीं है। ऐसे में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वैक्सीन लेने के लिए आए हुए हैं, सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि वैक्सीन आज लगेगा या नहीं लगेगा। कब से खड़े हैं? सुबह 10 बजे से। लेकिन अभी तक नहीं लगा? नहीं। क्या कह रहे हैं? बोले हैं कि 10 गांव है, 10 गांव है, इसके बाद है। आज सुबह से 3 घंटा से खड़े हैं, अभी तक नहीं हुआ है कुछ। क्या नाम है? मेरा नाम आनंद हुआ। कितने देर से खड़े हैं? 10 बजे से लगभग खड़े हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वैक्सीन दे, यहाँ तो बोल रहे हैं हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ तो नहीं। इतना देर हो चुका है, 1 बज चुकी है, अभी तक नहीं पड़ा। नहीं, अभी तक नहीं हुआ। बोलिए। ज्यादा भीड़ है ना, कोई व्यवस्था है ना, किसी को बैठने का जगह है, फिर भी यहाँ। क्या नाम है? R9 भारत के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट, मुंगेर से। चेरिया बरियारपुर विधायक राजबंशी महतो ने प्रखंड मुख्यालय स्थित वार्ड 7 एवं 9 के जलजमाव वाले मोहल्लों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि जलजमाव की समस्या गंभीर समस्या है, इस समस्या के निराकरण के लिए मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा। 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी के साथ बैठक में कहा था कि इन समस्याओं का निराकरण पंचायत स्तर से करवाना है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जगह जगह पर नाला जमा हुआ है, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही, जिसके बाद विधायक कुंभी पंचायत के सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। पर राजद जिला प्रधान महासचिव राम सखा महतो, राजद नेत्री सावित्री देवी चेरिया बरियारपुर, राजद प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राम, अशोक झा, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। आए देख लिए, पानी निकासी नहीं हो रहा, जगह जगह जाम किए हुए हैं। हम DM से भी बात करेंगे और बैठक में भी उठाए थे और उप मुख्यमंत्री जी घोषणा भी कर दिए कि कहीं पानी नहीं रुकना चाहिए, सबका उड़ाही करवा दीजिए, जहाँ जहाँ है उसको साफ करवाइए, और रोड में गड्ढा जहाँ भी है, एक साइकिल वाला भी नहीं गिरना चाहिए, सब जगह अभी पत्थर उत्थल दे करके मरम्मत कर दीजिए। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे अथी करेंगे। नाला निर्माण नहीं हुआ था क्या यहाँ? कहाँ? उस मोहल्ले नाला निर्माण है, जाम किए हुए हैं। कचरा हम अभी देख करके आए हैं, सब जगह कचरा भरा हुआ है, उसके लिए हम DM से बात करेंगे। और पंचायत को उस दिन उप मुख्यमंत्री आदेश किए, DM साहब को कहे कि पंचायत को कहिए ये सब करवा दे जल्दी जी, और हमसे भी कहे कि आपका जो मांग है वो सब हम पूरा करवा। R9 भारत के लिए पार गौरव की रिपोर्ट, बेगूसराय से। 2 जुलाई टीकाकरण महाअभियान को लेकर शुक्रवार को सुबह सवेरे से टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ने शुरू हो गई, परंतु वायल की कमी के कारण टीकाकरण कराने पहुंचते बहुत से लोगों को निराश होकर बैरंग वापस लौटना पड़ा। जानकारी अनुसार अध्यात्म वर्ता एवं ग्राम वर्ता से फैले जागरूकता पर लोगों की भीड़ तो टीकाकरण केंद्रों पर जुटी, परंतु सरकार के स्तर से पर्याप्त मात्रा में वायल उपलब्ध नहीं कराने के कारण लोगों को अपना काम धंधा छोड़कर सेंटर पर घंटों इंतजार के बाद वापस लौटना पड़ा, जिससे नाराज लोगों ने सरकार के स्थानीय प्रशासन पर अपना आक्रोश प्रकट करते दिखे। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पृथ्वीराज ने बताया कि पहले 500 वायल के साथ 5000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य मिला था, जो आगे घटकर 200 वायल हो गया है। पुनः 3 दिन पूर्व मात्र 80 वायल मिलने की जानकारी दी गई, परंतु जब कर्मी वायल लेने के लिए पहुंचा तो मात्र 50 वायल ही उपलब्ध कराया गया। फलते 500 लोगों के टीकाकरण एवं उपरांत वायल समाप्त होने पर सेंटर पर मौजूद लोगों की भीड़ थोड़ी देर के लिए आक्रोशित हुई, लेकिन महाअभियान की सफलता में लगे अधिकारियों के साथ पिरामिल के BTO दीपक मिश्रा, CDO OP रत्ता कुमारी, स्वास्थ्य प्रबंधक सत्यदर्शी कुमार
कुमार के साथ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आक्रोशित लोगों को शांत कराया गया। टीका लेना चाहिए, क्या कहेंगे इस तरह का टीकाकरण अभियान हो रहा है? नहीं सब अच्छा काम है, जी बेहतर ये है, सबको लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। अब्दुल कुद्दूस संदेश ने दिया यहाँ पर एक टीकाकरण अभियान में हम आए और बढ़ चढ़ के सब आदमी इसमें हिस्सा लें, देश को सुरूर बनावे, अपना सुरूर परिवार को बचावे, दुनिया को बचावे। टीकाकरण हम लोग सेकंड डोज लेंगे, उसका बम बम करेंगे। अच्छा क्या कहेंगे, यहाँ पर युवा मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? अच्छा, तो क्या इस टीकाकरण में आप क्या कहेंगे इस तरह के टीकाकरण सर? सर क्या कहेंगे, टीकाकरण अभियान चल रहा है, लेंगे हम भी अभी। अच्छा, लोगों को लेना चाहिए? हाँ लेना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? एमडी नाजिर। इस अभियान पे क्या कहेंगे, इस तरह का अभियान चल रहा है? इस तरह के अभियान पर हमको यही कहना है कि हर आदमी को जागरूक होना चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। कोरोना से एक यही उपाय है? जी हाँ, कोरोना से बचने का यही सबसे अच्छा कारगर तरीका है। इसमें ये भी कह दीजिए वैक्सीन तुरंत खत्म हो जाता है, जब आती है लौट के जाती है। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंदु कुमारी है, हम पी एस सी चरिया बड़ियापुर से हैं, हम लोग तीन में पदस्थापित हैं। अच्छा, यहाँ पर सभी लोग कैसे कैसे लोग यहाँ पर आके टीकाकरण कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के हैं, बहुत उत्साहपूर्वक सुई ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और जनता लोग का भी